नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। गोरखपुर में सीएम योगी ने विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कमीशन कार्यालय में जनप्रतिनिधियों व आयुष के डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष के डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया गया। वाराणसी में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में शिक्षा देने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करने सूबे के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी। प्रदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया। एक बौद्ध भिक्षु ने बताया, हम लखनऊ से आए हैं, किसान सड़क पर हैं, इसीलिए हम मठों को छोड़कर किसानों के साथ आए। जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। नोएडा दिल्ली सीमा पर किसान ने कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन का आज 40वां दिन है। थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली बैठक में किसानों को काफी उम्मीद। जिला बॉर्डर किसानों ने की रिहर्सल। 26 जनवरी पर दिल्ली में परेड करने की रिहर्सल। 26 जनवरी पर परेड की तैयारियों में जुटे किसान। बीते 40 दिनों से जारी है किसानों का आंदोलन। बिजनौर में कृषि कानून को लेकर नोडल अधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक बैराज बॉर्डर पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। बिजनौर में इस निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली और जनपद में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। राहुल ने लिखा, सर्दी की भीषण बारिश में टेंट की टपकती छत के नीचे जो बैठे हुए सिकुड़ ठिठुर कर वो निडर किसान अपने ही हैं, गैर नहीं। सरकार की क्रूरता के दृश्य में अब कुछ और देखने को शेष नहीं। गाजियाबाद में पिछले 53 सालों से एक अखंड ज्योति जल रही है। इसी अखंड ज्योति ने किसानों को आंदोलन में सफलता पाने की प्रेरणा मिलती है। साल 1967 में यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन में शहीद हुए किसानों की शहादत के बाद इस अखंड ज्योति को जलाया गया था। दिल्ली में किसानों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज का मामला। लाठीचार्ज मामले पर पीयू के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा था लेटर। लेटर में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज विभाग ने लिखा था लेटर, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर करेगा मामले की सुनवाई। चिट्ठी में हरियाणा सरकार द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप। सीएम योगी का मिशन रोजगार। आयुष विभाग के नव चयनित अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र। 142 योग वेलनेस सेंटर्स का किया उद्घाटन। सीएम ने उत्तर प्रदेश आयुष टेलीमेडिसिन का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने अखिलेश यादव को दिया हिदायत, कोरोना वैक्सीन पर ना फैलाए अफवाह। हमारे वैज्ञानिकों का ना करे अपमान, मिलकर दे साथ जनता को महामारी से बचाए। जयप्रताप सिंह ने कहा, नए ट्रेंड वाले कोरोना में पूरी तरह कारगर है वैक्सीन। सुरक्षा और दृष्टि से नहीं है कोई दिक्कत, एक व्यक्ति को दो बार लगेगी वैक्सीन। मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, अखिलेश यादव की बुद्धि हुई भ्रष्ट। अखिलेश यादव का विवेक नहीं कर रहा है काम। पराजय के कारण अखिलेश यादव बौखलाए। अखिलेश यादव नरेश अग्निहोत्री ने कहा, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा व्यक्ति हास्यास्पद बयान दे रहा है। अखिलेश यादव देश के वैज्ञानिकों का कर रहे हैं अपमान। मैं देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। शिवपाल यादव का कोरोना को लेकर विवादित बयान, लॉकडाउन के समय दुकानें खुली रहती तो क्या फर्क पड़ता। लाखों मरीज थे तब लॉकडाउन खुल गया। जहां फैक्ट्रियों खुली रही, जहां मजदूरों को कोरोना नहीं हुआ। शिवपाल यादव ने कहा, अमेरिका में पीएम लेकर आए थे कोरोना। विदेशों में हवाई जहाज चल रहे थे, उनको बंद करना था। आजमगढ़ में एक मदरसा में एक मौलाना ने कहा, वैक्सीन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह जरूरी। लोगों ने मौलाना के बयान की तारीफ की। श्रावस्ती में ड्राई रन की तैयारियां हुई पूरी। जिले में 6 स्थानों पर किया जाएगा ड्राई रन। 3 ग्रामीण क्षेत्रों में और 3 शहरी क्षेत्रों में होगा ड्राई रन।
वाराणसी के चौकाघाट वैक्सीन स्टोर में बना कोविड 19 वैक्सीनेशन का पहला स्टोर, जिसमें लगभग 4000 सिरिंजेस पहली खेप में वैक्सीन स्टोर में लाई गई। कोरोना वैक्सीन को लेकर मेरठ में मंगलवार को 6 नहीं 12 जगह मॉक ड्रिल होगी। कोरोना वैक्सीन के आने से पहले युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। मॉक ड्रिल के लिए शहर में मेडिकल कॉलेज और सुभारती मेडिकल कॉलेज में दो दो बूथ, जाकिर कॉलोनी और संतोष नर्सिंग होम में एक एक बूथ बनाया गया है। पीलीभीत के मौलाना ने वैक्सीन को लेकर जारी किया बयान। वैक्सीन को धार्मिक व सियासी रंग देने वालों पर जताया एतराज। शहर काजी मौलाना जरताफ बोले, जान बचाना फर्ज है। मौलाना ने कहा, वैक्सीन को लेकर पहले भी उड़ती रही है अफवाहें। चेचक व पोलियो को लेकर भी किया गया था गुमराह, सरकार की वैक्सीन भरोसेमंद। बलिया में सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल की कोरोना से मौत। कोरोना से मौत के बाद मचा हड़कंप। रिपोर्ट आने के बाद सीएमओ का बलिया में चल रहा था इलाज। गाजियाबाद हादसे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। ईओ निरीक्षण, जेई और सुपरवाइजर गिरफ्तार। शमशान घाट में लेंटर गिरने से अब तक 25 की मौत। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे मामले में मृतकों के परिजनों ने लगाया जाम। मुरादनगर थाने के मामले में लगाया जाम, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए हादसे में 25 मृतकों में से एक लोहिया नगर के रहने वाले सुरेश कुमार भी थे। करीब 60 वर्ष के सुरेश कुमार बैंक से रिटायर हुए थे और उनके ऊपर अभी अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी थी। मुरादनगर में लेंटर गिरने से जहां 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं इस घटना में मरने वाले लोगों में शामिल निवासी पिता पुत्र भी शामिल है। नंदकिशोर गुज्जर ने लिखा राज्यपाल को पत्र, नगर विकास सचिव पर लगाए गंभीर आरोप। मुरादनगर हादसे के लिए भी ठहराए जिम्मेदार। विधायक ने हादसे पर अपनी ही सरकार को घेरा। विधायक ने कमीशन खोरी का लगाया आरोप। विधायक ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री के बजाय राज्यपाल को लिखा पत्र। गाजियाबाद में मुरादनगर हादसे के बाद आहत परिजन और इलाके के लोग नेशनल हाईवे पर डेड बॉडी के साथ बैठे हुए। परिजनों की मांग है कि इस मामले में जो आरोपी है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। वाराणसी के चिरई गांव ब्लॉक में शंकरपुर ग्राम और बरईपुर क्षेत्रवासी अंडरपास के लिए महीनों से लामबंद होकर धरने पर बैठे। लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मुरादाबाद में युवक की नौकरी जाने पर शुरू की फूड जंक्शन के नाम से चाय पकौड़े की दुकान। इतना ही नहीं, पति और पत्नी ने दूसरे बेरोजगार लोगों को दिया रोजगार। कानपुर में यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया बंद का ऐलान। 24 घंटे के लिए किया बंद का ऐलान। ट्रक के ई वे बिल बढ़ोतरी की वजह से बंद का ऐलान। 100 किलोमीटर की जगह अब 200 किलोमीटर की बढ़ोतरी। ट्रकों को तय करना पड़ेगा 200 किलोमीटर का सफर। एक दिन में ही तय करना पड़ेगा 200 किलोमीटर का सफर। लखनऊ में सपा नेता मनोज सिंह की दबंग गई। गाड़ी ओवरटेक करने के चलते हुई हल्की टक्कर। हल्की टक्कर के बाद सपा नेता और उनके गुर्गो की दबंग गई। गाड़ी रोककर युवती से मारपीट का आरोप। महिला से बदसलूकी पर मौजूद लोगों ने सपा नेता को घेरा। लोगों ने सपा नेता की गाड़ी पर किया पथराव। हंगामे की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने भीड़ को रोका। लखनऊ में सपा नेता मनोज सिंह की दबंगी के मामले में महिला ने नहीं दी पुलिस को लिखित शिकायत। दोनों पक्षों में हुआ समझौता। महिला की गाड़ी से सपा नेता को गाड़ी की हुई थी टच। गोंडा में डीएम ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण में मरीजों व परिजनों से बात कर जानी हकीकत। डीएम ने सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश सरकार के महिला बाल विकास संयुक्त समिति की सभापति और इटावा से विधायक सरिता भदौरिया ने अपना 58वां जन्मदिन अपने आवास पर किन्नरों के साथ मनाया। सरिता भदौरिया ने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श मानते हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे को लेते हुए वर्ष सरिता अपने जन्मदिन को अलग समाज में जाकर मनाती है।
वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र में चोरों ने देर रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दो लैपटॉप, दो टैबलेट और दो मोबाइल फोन चुरा लिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। महाराजगंज में सेना के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। जवानों ने नेपाली युवक के पास से 45 ग्राम हेरोइन बरामद किया। हेरोइन की कीमत करीब 45 लाख रुपए बताई गई। बदायूं के उजानी कोतवाली में घर से लापता प्रेमी युगल ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शामली पुलिस ने चेकिंग के दौरान नेपाल से तस्करी कर शामली लाई जा रही 2.5 करोड़ रुपए की कीमत की चरस को पकड़ा। पुलिस ने चरस के साथ एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में बंधन बैंक के कर्मचारियों बदमाशों ने की 90,000 की लूट। लूट के वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार। सूचना पर पहुंचे पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। नोएडा में अट्टा मार्केट में बदमाशों की दबंगई। कपड़ों की दुकान में घुसे बदमाश ने किया जानलेवा हमला। दर्जन भर बदमाशों ने दुकानदार पर किया जानलेवा हमला। और अहमद तेजलपुर गांव के सामने ट्रक के टायर फटने से आग लग गई। देखते ही देखते आग बुरी तरह से फैल गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। झांसी में थोड़ी सी लापरवाही में गई युवक की जान। डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ गिरा बाइक सवार। सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने युवक को कुचला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर में खुदाई कार्य चलने से सड़क हादसा। सिटी में सिवर लाइन की खुदाई का चल रहा था काम। एक बड़ा ट्रक सड़क में धंसा। कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन से निकाला गया ट्रक। कानपुर में पत्नी वियोग में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पत्नी के मायके जाने के बाद से परेशान था युवक। फोन पर पत्नी से हुई कहासुनी के बाद उठाया खौफनाक कदम। कानपुर में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दोनों के शव गांव के बाहर पेड़ से लटके मिले। एक ही रस्सी में फांसी लगाकर की आत्महत्या। गुना में बेसिक शिक्षा के लेखा विभाग की बड़ी लापरवाही। मानव संपदा पोर्टल पर नहीं फीड किया शिक्षकों का डाटा। डाटा फंडिंग न होने से फंसा 4,000 शिक्षकों का वेतन। महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने दिया था ऑनलाइन वेतन भुगतान का निर्देश। 5 महीने पुराने निर्देश का पालन नहीं करा सका लेखा विभाग। नए वर्ष पर वेतन न मिलने से शिक्षकों में आक्रोश। फरुखाबाद में पुलिस का बहरम चेहरा सामने आया है। नवाबगंज में थाने से 300 मीटर दूर एक घर में चोरी के वारदात को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर पुलिस ने पड़ोस के एक नाबालिग को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। रावस्ती में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर गोवंश की बचाई जान। स्थानीय लोगों ने बचाई गोवंश की जान। रानी तालाब के सामने खुले कुएं में गिरा था गोवंश। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर। चंद्रिका देवी रोड पर बाइक और कार टक्कर। बाइक और कार की भिड़ंत से आधा दर्जन लोग घायल। दो घायलों को ट्रॉमा सेंटर में क्या क्या भर्ती। अमरोहा में जबरदस्त सड़क हादसा। भैंसों से लदा कंटेनर पलटा। हादसे में 6 युवकों की मौत, दर्जनों घायल। सभी घायलों को अस्पताल में करा गया भर्ती। कुशीनगर में ईंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 की मौत। महाराजगंज से ईंट लेकर बिहार जा रहा था ट्रैक्टर। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोहबा के मावन क्षेत्र में बीती रात हुई जोरदार बारिश के चलते माहौल कस्बे में एक मकान धराशायी हो गया। घटना में मकान के अंदर सो रहे एक व्यक्ति और एक दर्जन से अधिक पशुओं की मलबे में दबकर मौत। पीलीभीत में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। वीडियो बनाकर लगाई न्याय की गुहार। नौकरी के नाम पर ठगी से था परेशान। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। आगरा में खेत में पड़ा मिला किसान का शव। किसान का शव मिलने से मचा हड़कंप। किसान की गर्दन पर है चोट के निशान। परिजनों ने जताई रंजिश में हत्या की आशंका। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश बंटी को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती एक सिपाही भी मुठभेड़ में हुआ घायल। मौके से 6,28,000 कैश, एक तमंचा और बाइक बरामद। बैंक डकैती में फरार चल रहा था बंटी। मामले में 7 आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल। बैंक डकैती का 50 लाख से अधिक कैश अब तक बरामद।
जौनपुर में खड़ी कार में अचानक लगी आग। अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। अज्ञात लोगों पर कार में आग लगाने का आरोप। रोजगार के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी जारी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार को घेरा। 7 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे को बताया झूठा। हरिद्वार कुंभ मेले में पहले अखाड़ों में तकरार शुरू। 2 फाड़ होती नजर आ रही है अखाड़ा परिषद। किन्नर अखाड़ा को प्रतिबंध करने की मांग। कुंभ मेले से पहले अखाड़ों में तकरार शुरू। रुद्रप्रयाग चमोली में मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में आज से डायलिसिस की 3 यूनिटों का शुभारंभ किया गया। इससे मरीजों को अपने नजदीक के अस्पताल में सरकारी दरों पर डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। हरिद्वार में सन्यासी और वैष्णव अखाड़ों के बीच मतभेद। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी पर असंवैधानिक रूप से पद पर काबिज होने का आरोप लगाया। कोटद्वार में डकैती की घटना का खुलासा। पुलिस ने 10 दिन के अंदर में किया खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निदेशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया और नेशनल एनवायरमेंटल स्टडीज लेबोरेटरी की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि कोरोना वैक्सीन का बड़ा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इससे हमें वैज्ञानिकों के काम पर गर्व है। नए साल में भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली। पीएम मोदी ने कहा हमारे देश में सर्विसेज की क्वालिटी हो चाहे सरकारी सेक्टर हो या फिर प्राइवेट। हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये तय करेंगे कि दुनिया में भारत और भारत के प्रोडक्ट्स की ताकत कितनी है। पीएम मोदी ने कहा कि सीएसआईआर के वैज्ञानिक देश के ज्यादा से ज्यादा छात्रों के साथ संवाद करें। कोरोना काल के अपने अनुभवों को हरित शोध क्षेत्र में किए गए कामों को नई पीढ़ी से साझा करें। इससे आने वाले कल में आपको दुआ वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने की मदद मिलेगी। कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा देश 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, नई स्टैंडर्ड्स और न्यू बेंचमार्क्स को सेट करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा आज भारत दुनिया के उन देशों में है जिनके पास अपने नेविगेशन सिस्टम है। आज इसी ओर एक और कदम बढ़ा है। आज जिस भारत निदेशक द्रव्य का लोकार्पण किया गया है ये हमारे उद्योग जगत को क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पीएम मोदी ने कहा नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल के जरिए भारत अब सेकंड के 1/2 हिस्से को मापने में सक्षम है। अतीत ने हमें सिखाया कि जितना एक देश साइंस पर जोर देगा उतनी ही उसकी तकनीक आगे बढ़ेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में भारत टॉप 50 देशों में शामिल है और रिसर्च की आत्मा कहीं भी नहीं मरती। युवाओं के पास रिसर्च और इनोवेशन में अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा आज का भारत पर्यावरण की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में बढ़ा है लेकिन एयर क्वालिटी और एमिशन की मापने की तकनीक से लेकर टूल्स तक इस दूसरे पर निर्भर रहे। आज इसमें भी आत्मनिर्भरता के लिए हमने बड़ा कदम उठाया। भारतीय क्रिकेट टीम को लगता है कि उनके साथ ऑस्ट्रेलिया में अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट किया गया, रिपोर्ट नेगेटिव है। तब भी टीम को कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सिडनी के होटल में क्वारंटीन रखा जा रहा है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी के नाम पर एक और रिकॉर्ड। बार्सिलोना के लिए स्पेनिश लीग का लेगा में 500वां मैच खेला। ऐसा करने वाले वे पहले नॉन स्पेनिश प्लेयर बने। कनाडा में रहने वाली रोरी वैन की उम्र महज 7 साल है। हाल ही में वो वेटलिफ्टिंग के यूएसए अंडर 11 और अंडर 13 यूथ नेशनल चैंपियन बनी। वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु 9 महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब लंदन से सीधे इंडियन बैडमिंटन टीम थाईलैंड ओपन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगी। दीपिका पादुकोण ने रणथंबोर की फोटो शेयर कर सोशल मीडिया पर लिखा इस ब्रेक की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मेरे लिए परिवार और दोस्तों के साथ बिना किसी इंटरप्शन के क्वालिटी टाइम बिताना बहुत जरूरी है।
धर्मेंद्र एक बार फिर किसानों के समर्थन में आए और कहा, आज मेरे भाइयों को इंसाफ मिल जाए, जी जान से अरदास करता हूं। डेविड धवन में इंटरव्यू में बेटे के किसिंग सीन फिल्माने में कोई दिक्कत आई? डेविड ने कहा, इसमें कोई मुश्किल नहीं आई और ना ही किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस हुई, हम लोग प्रोफेशनल है। जेल से छूटने के बाद 23 दिन बाद संजना गलरानी ने किया फैंस का शुक्रिया और कहा, सेहत ठीक होते ही फिर मिलेंगे। संजना को पिछले साल 12 दिसंबर को मेडिकल रीजंस के चलते जमानत मिली थी, वे करीब 93 दिन बाद जेल में ही रही।